अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने प्लेट में पनीर और पूड़ी लग चुकी है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, पनीर और पूड़ी खाने का चैलेंज होने चल रहा है, यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पौनजी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कुंभकर्ण थाली पूड़ी और पनीर लगा हुआ है। तो आज हमारा पूड़ी पनीर ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में हमारे साथ बैठ चुके हैं साहब जी। तो देखते हैं साहब जी आज विनर हो पाते हैं नहीं, और जो भी विनर होगा उसको मिलेगा 2000 रुपये का नगद पुरस्कार। तो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन इनाम की राशि लेकर जाता है। तो देर न करते हुए हम चाहेंगे कि पवन जी टाइमर को चालू कर दीजिए, और यहाँ पर टाइमर चालू होने वाला है और टाइमर चालू हो चुका है। और टाइमर चालू होते ही सबसे पहले साहब जुड़ चुके हैं पूड़ी में, और यहाँ पर देखना है कि जीत किसकी होती है। बहुत गजब, और ऐसा नहीं लगता है कि साहब जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी जो स्पीड है, थोड़ा सा स्पीड प्लस करके चलिए। आज कुंभकर्ण पनीर और पूड़ी वाली जो थाली लगी है, इस पे 2000 रुपये का नगद पुरस्कार है। जो सबसे पहले थाली खाली करेगा 2000 रुपये का नगद पुरस्कार लेकर जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि पूड़ी खा कर जाते हैं साहब की इनाम की राशि लेकर जाते हैं, कि पवन जीतते हैं कि पवन पूड़ी खा कर स्वाद लेते हैं। और देखते ही देखते यहाँ पर पवन के थाली से काफ़ी पूड़ी गायब होती नज़र आ रही है, जबकि अभी 3-4 पूड़ी में ही साहब लटके हुए हैं। खींचे रहो माल। और यहाँ पर साहब के लिए आदेश हो चुका है, माल खींचे रहो। माल का मतलब यहाँ पर जो पनीर और पूड़ी है, वास्तव में बहुत जायकेदार पनीर यहाँ पर दिख रही है। तो इस जायकेदार पनीर और पूड़ी को पवन जी कह रहे हैं खींचे रहो माल। तो यहाँ पर साहब बहुत ही धैर्य से, बहुत ही सूझबूझ से पनीर और पूड़ी खा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि साहब उस स्पीड को नहीं पकड़ सकते जो स्पीड पवन जी लगा के बैठे हैं। मतलब एक्सीलेटर देना पड़ेगा, अगर साहब को जीतना है तो एक्सीलेटर देना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है साहब एक्सीलेटर दे पाए, क्योंकि इनके मुंह से पूड़ी समाप्त ही नहीं हो रही है। ये बफर की तरह एकदम मस्ती से पूड़ी का और पनीर का मज़ा ले रहे हैं। तभी तो बोल रहे थे हरा देंगे आपको, अभी बोल रहे थे हरा देंगे, लेकिन उस बोल को तोल नहीं पाए हैं। बोल रहे थे हमारे चैलेंज लेके देखो। बहुत गजब। और आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाना होगा, तभी पवन का स्पीड पकड़ पाएंगे। और यहाँ पर पवन जी फुल एक्सीलेटर से बैठ चुके हैं, अगर इस एक्सीलेटर को पकड़ पाएंगे तभी जीत पाएंगे, नहीं तो हार निश्चित है। अब जाके इनका एक्सीलेटर देखने को मिला है और स्पीड दिए हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है कि अब आगे बढ़ पाएंगे। बहुत गजब। और पानी पे फोकस किए हुए हैं साहब। तो पवन जी क्या लगता है साहब कहाँ तक पहुँच सकते हैं? अब साहब ही बता सकते हैं जीत जाएंगे नहीं। अभी तो बोल रहे थे क्या है, दो दो कुंभकर्ण थाली खाली कर देंगे। देखिए कहने की बात और होती है और करने की बात और होती है।
अब यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि एक्सीलेटर नहीं देंगे तो जीत नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से खाने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बहुत गजब। और इस समय टाइमर 4 मिनट 35 सेकंड का सफ़र तय कर चुका है और इस 4 मिनट 35 सेकंड में अभी साहब के थाली से काफ़ी पूरी गरज रही है, जबकि पवन के थाली से काफ़ी हद तक की पूरी समाप्त होती नज़र आ रही है। जिस तरीके से हौसले दिखाए थे उस तरीके से हौसले पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं और पवन जी पूरी को छांट छांट के खा रहे हैं कि भाग, कितना भागेगी तू, किस तरह भागेगी, पकड़ कर तुम्हें हम चबा जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर पूरी भागना चाह रही, लेकिन पवन जी उसको भागने नहीं दे रहे हैं और साहब भी एकदम छांट छांट के पूरी खा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब पवन जी की भी मशीन कुछ हद तक डाउन होती नजर आ रही है, क्योंकि जब इतनी पूरी खाने के बाद नींद आने लग गई है, पेट भर जाता है तो थोड़ा सा स्लोली मोशन हो जाता है, तो यहाँ पर नींद का आभास होते नजर आ रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, ये जोश है, जीत का जोश है। खा लेंगे साहब जी, खा लेंगे, हमको लग रहा है खा लें, क्या होता है मतलब अभी खाने की इच्छा है और सोच रहे हैं कि खत्म कर देंगे, तो देखना है कि इस सोच को कहां तक पहुंचाते हैं 6 मिनट 25 सेकंड के इस सफर में। आप लोग देख रहे हैं पूड़ियां कितनी गायब हो गई हैं। ज्यादा नहीं, 8 मिनट तक देखते हैं और 8 मिनट में देखना है कि कितनी पूड़ियां समाप्त होती हैं। पूरा पूरा बन गया है, इतनी करारी खस्ती पूड़ी है और वास्तव में पूड़ी बहुत गजब की करारी है और लाजवाब पूड़ी बनी हुई है और लाजवाब पनीर भी बना हुआ है। बस तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय अभी साहब का तो पूरा पनीर ही पड़ा हुआ है, पूरा पनीर भी बचा हुआ है, पूड़ी भी काफी हद तक बची हुई है, सोच रहे हैं कि हम घर लेकर जाके खाएंगे। और देखते ही देखते 7 मिनट 30 सेकंड का सफ़र तय कर चुका है हमारा टाइमर और इस 7 मिनट 30 सेकंड में अभी भी काफ़ी हद तक की पूड़ी साहब के थाली में बची हुई है। ना भैया, हम 8 पूड़ी नहीं खाएंगे, मतलब 2 पूड़ी नहीं गिने हैं, तो इसका मतलब है 2 पूड़ी उसको खाएंगे। तो साहब क्या हालचाल है भैया आपकी, क्योंकि ओवर ईट नहीं करेंगे। और ओवर ईट नहीं करेंगे मतलब फिर भी जीत पवन की तरफ जाती हुई दिख रही है और 8 मिनट का समय पूरा हो चुका है। खा लेंगे साहब पूरी, नहीं अगर खा लो तो खा लो, जीत तुम्हारी तरफ चली जाएगी। आज अगर खा लोगे तो जीत जाओगे, आज 2000 रुपये का सवाल है। नहीं बोल दिए ना, पूड़ी नहीं खाएंगे भैया। तो मतलब एक पूड़ी और एक्स्ट्रा छोड़ दी है पवन जी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर साहब 3-9 और पवन के इस जोड़ी में कितनी बची है आपके साहब? 3, 7, 11 खा लेंगे, कितनी खा पाएंगे? 2 ही पूड़ी खा लीजिए, हमारे मतलब कम से कम टाई तो हो जाएगा, खा लेंगे कि नहीं? हाँ, 2 पूड़ी तो खा ही लेंगे, 2 पूड़ी खा के और खा लेंगे। तो जब 2 पूड़ी इधर खाया जाएगा 2 पूड़ी उधर खा लेंगे, टाई हो ही नहीं सकता। तो चलिए ठीक है, और पनीर भी इनका बहुत सारा है, हमारे मतलब ज्यादा पनीर भी है और साहब की टंकी फुल हो चुकी है
अंदेशा दिख रहा है। भैया हम खाएंगे नहीं। हाँ साहब, और ज़्यादा हम भी नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाएंगे तो साहब भी ना बोल चुके हैं, हमारी भी भैया तरफ से ना हो गई है, तो इस चैलेंज में कोई विनर नहीं हो पाया है। और पूरी सब्जी बहुत बढ़िया थी, लग रहा था कि इतना खा लेंगे लेकिन नहीं खा पाए। कोई जोर दबाव नहीं रहता हमारे चैलेंज में, जो कहीं से भी कोई चैलेंज छोड़ सकता है, कोई पैसा भी नहीं लगता चैलेंज का। अगर कंप्लीट कर लेते तो इनाम की राशि मिलती है, अगर नहीं कंप्लीट कर पाते तो कोई पैसा भी नहीं मिलता। तो हमारे लोगों को, हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोग जीत नहीं पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।